नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा प्रभा में। तो आज 10th क्लास के बच्चों ने दिया है अपना CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम और यहाँ पर आप लोग देखेंगे अपने पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको हम लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व किया गया है जिसके आधार पर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स टैली कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ था जिसको आपको पढ़ना था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, आज जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसका सही आंसर बेटा होगा स्वच्छ पर्यावरण के कारण, ऑप्शन सी। सेकंड है, सही कथन का चयन कीजिए, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन डी, जैविक बीज खाद किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है, तो फोर्थ का ए, जैविक खेती इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं, तो उसका सही कारण होगा ऑप्शन बी, दुष्प्रभावों की जानकारी ना होने के कारण। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित दो पदांशों में से कोई एक आपको सॉल्व करना था, तो उसका सबसे पहला पदांश है, भले ही अंधेरा घिरा हर दिशा से मगर हम नया बोर्ड लाएंगे। तो इस से आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे पहला, कवि को विश्वास है कि, क्या विश्वास है उसको, ऑप्शन ए, वह अंधकार को उजाले में बदलेगा। दूसरा, जीवन मूल्यों के कमज़ोर पड़ने का क्या कारण है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आर्थिक दौड़, पैसे कमाने की दौड़ में सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन मूल्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। ऑप्शन तीन, भारत की किस विशेषता का पूरा विश्व गर्व करेगा, तो थर्ड का आंसर होगा बी, वैज्ञानिक प्रगति। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी का अंधानुकरण ना करके अपने लिए सही मार्ग का चयन करेंगे, यह भाव कविता की किन पंक्ति में आया है, तो ऑप्शन सी, भले ही किसी राह जाए जमाना मगर हम सही राह थामे रहेंगे, ये वाला जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। फिफ्थ है, कठिन दुर्ग पाखंड से सब डहेंगे काव्य पंक्ति का क्या आशय है, तो ऑप्शन बी, लोगों में स्वार्थ भावना का अंत होगा, ये इसका सही आंसर है। अब है दूसरा पदांश, दूसरा पदांश, जो सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इस पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहला है, काले बादल और चांदी की रेखा किनका प्रतीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे प्रतीकों को पढ़ना है, तो विपत्तियाँ, काली माँ, आशा की किरण और बिजली, तो इसका सही आंसर होगा, काले बादल विपत्तियों का प्रतीक है और चांदी की रेखा आशा की किरण, तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, ए और सी, ठीक है, विपत्तियां और आशा की किरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं, नीचे दिए गए कारकों को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में ज्वाति देश के, घनघोर घटाओं के, परस्पर वैमनस्य के और वैश्विक अशांति के, तो इसका सही आंसर होगा ज्वाति देश और वैश्विक अशांति, तो ए और डी हमको मिल रहा है ऑप्शन फोर में, तो ऑप्शन फोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कैसे वातावरण में आशा की किरण छिप जाती है, नीचे दिए गए कारकों को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो जब मन में निराशा हो, ठीक है, और जब षड्यंत्र रचे जा रहे हों, यानी कि ऑप्शन बी और सी हमको मिल रहा है सेकंड पॉइंट पे, तो इसका सही आंसर होगा बी एंड सी सेकंड। फोर, मोर मोरनी द्वारा आंगन में नृत्य प्रस्तुत करने से क्या अभिप्राय है, तो
क्या अभिप्राय होगा? उन दोनों का प्रश्न होकर नृत्य करना या निराशा के बादल छटना, दोनों नृत्य कर बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन बी, निराशा के बादल छटने लगे हैं और खुशियों ने दस्तक दे दी है, इसलिए मोर और मोरनी आंगन में नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, चांदी की रेखा को सोने की रेखा में कब बदला जा सकता है? देश जातियों की एकता होने पर, काले बादलों के दूर होने पर, सूर्य के छिपने पर और मनुष्य से भयभीत ना होने पर, मृत्यु से भयभीत ना होने पर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बेटा, देश जातियों की एकता होने पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित पांच बहुविकल्पी प्रश्नों में से चार का विकल्प चुनकर करना है। तो सबसे पहला मिश्र वाक्य आपसे पूछा गया है, तो आपको दिख ही रहा होगा मिश्र वाक्य है, हल्दर साहब जब कस्बे से गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मे को देखते। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है, संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो बी जो और हैं, ये और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य होगा? तो सरल वाक्य डी होगा, मुंह में पानी भराए, पानी का घूंट गले से उतर गया। फोर है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। जब भी वे काशी से बाहर रहते, तो इसका आंसर होना चाहिए बेटा आपका ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। फिफ्थ है, उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में वे खीरे का रसवादन कर रहे हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर फोर, निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित पांच बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। सबसे पहला है, वे हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कृतवाच्य। नेक्स्ट है, नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया, वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? तो कर्म, काम कर रहे हैं वो, तो कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, उनसे बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था, वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा आपका बी, भाववाच्य। फोर्थ पे आपसे पूछा गया है, सफ़र का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उन्होंने खीरे सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खरीदे होंगे, अब यह कर्मवाच्य पे परिवर्तित हो गया है। फिफ्थ है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो आ जाएगा ऑप्शन सी, जेब से चाकू निकाला गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों में से किन्हीं चार पदों के सही पद परिचय वाला विकल्प चुनना है। तो सबसे पहला है खीरा, खीरे है ना बेटा, तो खीरे जो है आपका जातिवाचक भी है, बहुवचन भी है, पुल्लिंग भी है और संबंध कारक भी है। इसके बाद बेटा दूसरा है पनियाती, तो पनियाती आपका गुणवाचक विशेषण, फांके विशेष्य, स्त्रीलिंग और बहुवचन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। थर्ड है खूब, तो ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, आ रहा था क्रिया का विशेषण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। फोर है लेकिन, तो लेकिन का होगा आपका ऑप्शन सी, व्याधिकरण समुच्चय बोधक योजक, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है लेकिन के द्वारा। फिफ्थ है वे, वे में आ जाएगा आपका बेटा ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अलंकार आपको बताने हैं, तो मगन को देखी पट देत बार बार, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। सो जनु हमिरी माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार।
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो बेटा इसके लिए आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने पेपर में क्या करके आए हैं। इसी तरह से 4 है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में कौन सा अलंकार प्रयोग में लाया गया है, श्लेष या फिर मानवीकरण, इन दोनों में से एक अलंकार होगा, कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5th है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। 7 क्वेश्चन है, आपको एक गाद्यांश को पढ़ना था, आंसर देना था। तो जीप के आगे बढ़ने पर भी हल्दार साहब का मूर्ति के बारे में सोचते रहने का क्या कारण था, तो ऑप्शन ए देश प्रेम की भावना। हल्दार साहब ने नागरिकों के प्रयास को क्या बताया, कैसे बताया, तो वो प्रशंसनीय था। 3rd, दूसरी बार जब हल्दार साहब उधर से गुजरे, इस वाक्य में उधर शब्द का प्रयोग किया गया है कस्बे के लिए, ऑप्शन ए। 4th, उन्होंने मूर्ति में क्या अंतर देखा, तो ऑप्शन सी मूर्ति पर चश्मा बदल गया है। 5th, हल्दार साहब जीप से कहाँ जाते थे, तो ऑप्शन बी अपनी फैक्ट्री का काम देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत पाठों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों में से जो उपयुक्त है उसको टिक करना है, तो किस घटना के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, किस, क्योंकि उन्होंने बेटे का जो क्रियाकर्म है वो किसी पुरुष से ना करा के खुद से ना करते हुए अपने बहू से करवाया। 2nd, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी क्यों है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रीढ़ की नरकट डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। 1st, मुख्य गायक अपने ही सरगम को किस कारण लांग जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाने की रो में भटकने के कारण। 2nd है, मुख्य गायक कहाँ भटक जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बचपन की स्मृतियों में। 3rd है, मुख्य गायक के भटकने पर संगीतकार उसकी सहायता कैसे करता है, तो ऑप्शन सी स्थाई को संभाल कर। 4, जब वह नौसिखिया था, इस वाक्य में वह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, तो मुख्य गायक के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5th है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यहाँ तार सप्तक से क्या अभिप्राय है, तो डी दुगना ऊंचा स्वर। विकल्प चुनने हैं वापस से, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान मानती हैं क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, तो ऑप्शन बी उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त और आलिप्त होने के कारण विरह वेदना से भी मुक्त है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम पास में नहीं बंधे हुए हैं, इस कारण से वो प्रेम की वेदना से भी बचे हुए हैं। 2nd, परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था, तो क्योंकि राम ने जो शिव धनुष था उसकी प्रत्यंचा को तोड़ दिया था, धनुष को भंग कर दिया था, ऑप्शन डी। वर्णात्मक प्रश्न बेटा आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके आंसर्स आप लोग देख ही लेंगे अपने बुक में, सैम्पल पेपर में, ठीक है। ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन, होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बेटा अच्छा गया होगा, अच्छे नंबर आप सभी के अपने पेपर में आएंगे, और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा अपने आंसर्स को टैली करने के लिए। तो बेटा अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह से अपने पेपर के सॉल्यूशन के लिए, और इसके साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।